पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश। हमें अपने चेहरे को साफ रखने के लिए प्रतिदिन धोना आवश्यक है और धोने के लिए हमें एक अच्छे से फेस वॉश की जरूरत पड़ती है जिसमें ज्यादा हानिकारक केमिकल न हो। तो आज हम लोग पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश के बारे में जानेंगे जो सर्फैक्टेंट फ्री है, यानी कि इसमें सोडियम लॉरल सल्फेट SLS का उपयोग नहीं किया गया है। आप सभी को पता होगा कि SLS एक क्लीनिंग एजेंट है जिसका उपयोग साबुन, शैम्पू और फेस वॉश आदि चीजों में किया जाता है। इसका ज्यादा उपयोग से कैंसर भी हो सकता है। मैं हमेशा ऐसे फेस वॉश के तलाश में रहता हूँ जो हानिकारक केमिकल से फ्री हो और ज्यादा पैसे भी खर्च न हो। पतंजलि का ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश भी हानिकारक केमिकल से फ्री वाले फेस वॉश की गिनती में आता है, लेकिन कमी इस बात की है कि इस फेस वॉश में बेस मटेरियल क्या क्या डाला गया है उसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह एक हर्बल एंड आयुर्वेदिक फेस वॉश है। तो आज हम पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, क्या इसमें कोई हानिकारक केमिकल तो नहीं है, इसके उपयोग करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या है, और क्या हम इसे रोजाना उपयोग कर सकते हैं, और इसकी पैकेजिंग कैसी है, क्या इसकी पैकेजिंग ट्रेवल फ्रेंडली है या नहीं। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश में क्या क्या मिलाया गया है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश में मुख्यतः 4 नेचुरल चीजें मिलाई गई है जिसमें ऑरेंज, एलो वेरा, नीम और तुलसी है, और बेस मटेरियल में एक्व, सॉफ्ट शॉपेस, डाइजोलिडेनोलूरिया और IPBC, विटामिन ई, सुगंधित द्रव्य QS। प्रति 5 ग्राम फेस वॉश में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है और 5 ग्राम फेस वॉश में टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स 0.5 ग्राम्स है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश की पैकेजिंग कैसी है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश की पैकेजिंग एक फ्लिप टॉप ट्यूब में है जो बहुत ही अच्छी है। इस ट्यूब कलर सफेद व ऑरेंज है। इसके सामने तरफ ऑरेंज और एलो वेरा का फोटो है और इसके पीछे तरफ इसका इंग्रेडिएंट दिया गया है, और इसके लीकेज होने का कोई डर नहीं है। आप अपने बैग में रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश की सुगंध कैसी है। इसकी सुगंध थोड़ी हर्बल टाइप की है, लेकिन यह ज्यादा स्मेल नहीं करता, पर इसे लगाने के 20 मिनट तक चेहरे से थोड़ा थोड़ा आता रहता है। मुझे इसकी सुगंध सड़े हुए संतरे जैसी लगती है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश की कंसिस्टेंसी कैसी है। यह सफेद कलर का फेस वॉश है। यह दिखने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा है, पर छूने में थोड़ा ऑयली लगता है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें शॉपेस का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए इससे झाग बहुत ज्यादा निकलता है। अपने फेस को धोने के लिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। यह फेस से सारा ऑयल और डर्ट एक ही वॉश में रिमूव कर देता है, लेकिन यह चेहरे को बहुत ज्यादा ड्राई यानी रुखा बना देता है। यदि आपकी नॉर्मल या फिर ड्राई स्किन है तो आप इस फेस वॉश को ना ही खरीदे। आप चाहे तो सर्दी के दिनों में इसे खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। यह आपके स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा और यह फेस वॉश आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा और ज्यादा दिनों तक चलेगा भी। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश के फायदे। यह काफी क्रीमी फेस वॉश है और इसकी कंसिस्टेंसी सॉफ्ट और ऑयली है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। इसमें हानिकारक केमिकल जैसे पैराबेन नहीं है। यह फेस को बहुत अच्छे से साफ करता है और चेहरे से सारा ऑयल और डर्ट रिमूव कर देता है। यह बहुत ही सस्ता है। पतंजलि ऑरेंज एंड एलो वेरा फेस वॉश के नुकसान। इसमें डाइजोलिडेनोलूरिया का उपयोग किया है जो स्किन के लिए हानिकारक है, और एक रिसर्च में यह पता चला था कि यह कैंसर को प्रमोट करता है। इसमें शॉपेस बहुत ही ज्यादा है जो स्किन के लिए अच्छा नहीं है, और इसमें कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया गया है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यह फेस को थोड़ा ड्राई और रुखा बना देता है। क्या हम इसे रोजाना उपयोग कर सकते हैं। नहीं, इसे रोजाना उपयोग करना मेरे लिए ठीक नहीं था क्योंकि यह मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया था। आप कभी कभी इसका उपयोग कर सकते हैं।